जय हिंद साथियों। साथियों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपने एसएससी एमटीएस का फॉर्म अप्लाई कर लिया भाई, अब उसे कैसे चेक करना है कि आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है, फॉर्म कंप्लीट हुआ है या बहुत सारे स्टूडेंट का जो है कैंडिडेट नॉट वेरीफाइड बता रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इससे आपका जो है फॉर्म में कोई दिक्कत होगी, एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा, आज की इस वीडियो में सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। भाई चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सर्वप्रथम मोबाइल स्क्रीन में गूगल क्रोम ब्राउजर में आना है। सबसे पहले आपको जो है गूगल क्रोम ब्राउजर में आने के बाद आपको जो है ssc.gov.in डाल के सर्च कर लेना है। जैसे सर्च करोगे भाई ना, आपको एसएससी की जो है इसकी ऑफिशियल साइट जो न्यू साइट है, यहाँ से आप फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो यहीं से आप अपना जो है एप्लीकेशन स्टेटस या आप जो है अपना चेक करोगे कि आपका एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पर एसएससी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको एसएससी की जो न्यू साइट बनाई गई है वहाँ पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ आने के बाद आपको भाई इसका पेज कुछ इस प्रकार से दिखाई देना देगा। यहाँ पर आने के बाद आपको जो है यहाँ पर लॉगिन एंड जो है रजिस्टर का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप जो है अपने रजिस्ट्रेशन किए हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और आपको पासवर्ड एक मिल गया होगा, तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाल के कैप्चा कोड फिल करके जो है आपको जो है यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप आसानी से अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर पाओगे कि आपका एप्लीकेशन स्टेटस क्या बता रहा है, कैंडिडेट नॉट वेरीफाइड बता रहा है, कंटेंट नॉट वेरीफाइड बता रहा है या एक्सेप्ट हुआ या पेंडिंग बता रहा है, सारा कुछ इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो आप जब जैसे ही लॉगिन करोगे तो यहाँ आपको कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगी आपकी प्रोफाइल। यहाँ आने के बाद भाई ना, आपको यहाँ आने के बाद आपको जो है यहाँ माई एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको माई एप्लीकेशन का ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे तो मल्टी टास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2024 आपको दिखाई देगा। यहाँ पर CBIN आपको यहाँ पर एक ऑप्शन एप्लीकेशन स्टेटस का दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका जो है यहाँ कैंटेंट वेरिफिकेशन स्टेटस दिखाई देगा। तो यहाँ पर देख सकते हो सारा कुछ आपका कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पर पेंडिंग दिखाई दे रहा है भाई, तो अब यहाँ जो है पेंडिंग जिसका भी दिखाई दे रहा है यहाँ कुछ देर में अपने आप जो है कम्प्लीट बताएगा। यहाँ अगर आप तुरंत फॉर्म अप्लाई के बाद ही चेक करोगे तो कुछ इसी प्रकार से आपका भी बताएगा। उसके बाद अगर आपका जो है रजिस्ट्रेशन स्टेटस जो है यहाँ कंप्लीटेड कंटेंट नॉट वेरीफाइड दिखा रहा है, तो इससे आपको परेशान नहीं होना भाई, आपका जो है एडमिट कार्ड 100% है कि आएगा। सभी के फॉर्म में कुछ इसी प्रकार से दिखाई देता है। अगर आपका पेंडिंग दिखाई दे रहा है या आपका फोटो सिग्नेचर नॉट अपलोडेड बता रहा है, तो आपको जो है इसको सही करना है। एसएससी की ऑफिशियल साइट से इसको जो है फिर से अपलोड करना है, या आप पेमेंट देर से किए होंगे, 48 घंटे पहले आप चेक कर रहे हैं पेमेंट के बाद, तो यहाँ कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अगर आप पेमेंट के 48 घंटे बाद चेक करोगे तो आपका सारा कुछ कंप्लीट दिखाई देगा और जो है रजिस्ट्रेशन स्टेटस जो है कंटेंट नॉट वेरीफाइड बताएगा। इससे आपको घबराना